गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कशन अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेरिडोफाइटा। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड बीएससी क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वैस्कुलर क्या होता है बेटा? वैस्कुलर का मीन्स होता है, वैस्कुलर मीन्स जाइलम और फ्लोएम की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जाइलम फ्लोएम कौन कौन से, और वैस्कुलर मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। और क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, फ्लावर्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन से ग्रुप के प्लांट को कहा जाता है? इसका हमारा आंसर है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा इज आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, वैसे क्रिप्टोगेम्स तो ये सारे हैं, बट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हमसे पूछा गया है, तो आंसर हमारा होगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टेरिडोफाइट्स आर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स आर, टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है वैस्कुलर, आंसर हमारा है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। सेकंड बोटैनिकल स्नैक, थर्ड विदाउट सीडेड प्लांट। टेरिडोफाइट्स को हम लोग बोटैनिकल स्नैक भी कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी हैं और विदाउट सीडेड प्लांट भी कहलाते हैं, इसलिए आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर जो हमारा करेक्ट है वो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट कौन हैं? इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट पूछे जा रहे हैं, फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट। फर्स्ट नंबर पे आर्यन मिश्रा, सेकंड पीएन मिश्रा, थर्ड पीएन मेहरा, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो पीएन मेहरा होगा। फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट कौन है? पीएन मेहरा। नेक्स्ट, इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटा के किस किस पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, कहाँ कहाँ पर इसका डिवीज़न होता है? तो टेरिडोफाइटा की जो स्पोरोफाइट्स होती है वो फूट सीटा, कैप्सूल, बी ऑप्शन रूट, स्टेम लीफ, थर्ड बोथ एंड फोर्थ नन ऑफ दीस। तो अगर ब्रायोफाइटा की बात की जाती तो फूट सीटा कैप्सूल हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, बट यहाँ पर टेरिडोफाइटा पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर आंसर हमारा होगा सेकंड, रूट स्टेम एंड लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया कि टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट होती हैं, तो रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड होती है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन विच टेरिडोफाइटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीजीटी, पीजीटी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीजीटी टीजीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नौकरी लेवल पर खूब पूछा जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइटा में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ लाइकोपोडियम में, ये आंसर हमारा नहीं होगा, मार्शीलिया नहीं होगा। आइसो इट्स एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आइसो इट्स एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी पाई जाती है, पर कह सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टील सिस्टम डेवलप्स इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो स्टील सिस्टम डेवलप होता है, टेरिडोफाइटा में स्टील सिस्टम कहाँ डेवलप होता है? गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में होता है, या दोनों में होता है, या नन ऑफ दीज। तो स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइटा
ऑलवेज स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में। तो हमारा आज का जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेरिडोफाइट्स की, स्पोरोफाइट में स्टील सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? स्पोर के माध्यम से पूछा गया है कि टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है होमोस्पोरस, सेकंड हेटरोस्पोरस, थर्ड बोथ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो बोथ होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस दोनों होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बोथ। टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कन्फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, कौन कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जो हेटरोस्पोरस होता है? तो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट आप पूछा गया है हम लोगों से, किसमें हेटरोस्पोरी पाई जाती है। तो हेटरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेलजनेला, सेकंड मार्सिलिया, थर्ड एजोला, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सारे हैं। सेलजनेला भी हेटरोस्पोरस होता है, मार्सिलिया भी और एजोला भी, ये सारे सारे कैसे हैं? हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बीएससी लेवल पर। नेक्स्ट, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्पोरेंजिया अगर ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है, स्पोरेंजिया की बात हो रही है, वो भी कैसे डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है स्पोरेंजिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है लेप्टोस्पोरेंजिएट, सेकंड यू स्पोरेंजिएट, बोथ, नन ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं कि अगर स्पोरेंजिया जो होती है वो सिंगल सेल से डेवलप होती है, सिंगल सेल से अगर डेवलप होती है तो उसे हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं, और अगर ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है तो उसे हम लोग यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? यू स्पोरेंजिएट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल, उसे हम लोग यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स। पूछा गया है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट कौन से हैं? तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स कौन है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन हमारे पास है ड्रायोप्टेरिस। यहाँ पर जो ड्रायोप्सिस लिखा है ये ड्रायोप्टेरिस होगा बेटा। यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस सेकंड ऑप्शन हमारा है शाल्विनिया, थर्ड एजोला, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है आल ऑफ आल। आंसर दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स हैं। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स में ड्रायोप्टेरिस भी लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, शाल्विनिया भी कैसा है लेप्टोस्पोरेंजिएट है, और एजोला भी कैसा है लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? आल, सारे के सारे क्या हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पे, शेप ऑफ फर्न प्रोथेलस आर। जो फर्न की प्रोथेलस होती है ना, फर्न प्रोथेलस की शेप पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। तो शेप ऑफ फर्न प्रोथेलस कैसी होती है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है किडनी, लीवर, थर्ड हार्ट, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर होगा हार्ट शेप, क्योंकि फर्न की जो प्रोथेलस होती है वो कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पीजीटी, टीजीटी और बीएससी लेवल पर पूछा गया जाता है कि फर्न की प्रोथेलस कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है, पीजीटी में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन टेरिडोफाइटा एंथ्रीडिया वियर्स। जो टेरिडोफाइटा की जो एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये,
टेराडोफाइटा का मेल है ये एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया में क्या पाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एंथ्रीडिया में पूछा गया है कि सिंगल एंथीरोजॉइट्स होता है, टू एंथीरोजॉइट्स होते हैं या मैनी, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मैनी एंथीरोजॉइट्स, क्योंकि जो टेराडोफाइट की एंथ्रीडिया होती है उसमें एक एंथीरोजॉइट्स नहीं बहुत सारे एंथीरोजॉइट्स होते हैं, इसलिए आंसर होगा मैनी एंथीरोजॉइट्स। नेक्स्ट, मोस्ट प्राइमिटिव रूटलेस टेराडोफाइटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एंड वीएससी क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये कि मोस्ट प्राइमिटिव रूटलेस टेराडोफाइटा कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट प्राइमिटिव भी रूटलेस ये ध्यान रखेंगे, रूटलेस पूछा जा रहा है, प्राइमिटिव तो है लेकिन साथ साथ में क्या है वो रूटलेस टेराडोफाइटा है, तो वो कोई और नहीं एग्जाम इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा क्या है, साइलोफाइटा इज ए रूटलेस टेराडोफाइटा। नेक्स्ट, रिच्स एंड ग्रुप्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी क्लासेस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया रिच एंड ग्रुप किसकी प्रॉपर्टी है, किसके सिस्टम में रिच एंड ग्रुप पा जाते हैं, रिच और ग्रुप किसके सिस्टम में पा जाते हैं, कई बार एक बार नहीं हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो रिच एंड ग्रुप्स इन सिस्टम ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है, इक्विसिस्टम की प्रॉपर्टी है ये, इक्विसिस्टम, तो इक्विसिस्टम में पा जाता है रिच एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट, स्पाइक क्लब मॉस, काफ़ी इम्पोर्टेंट, लोग ग्लाइकोपोडियम लगा देते हैं क्लब मॉस, अगर केवल क्लब मॉस होता यहाँ पर तो हमारा आंसर ग्लाइकोपोडियम हो जाता, बट यहाँ पर हमसे क्लब मॉस नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि स्पाइक क्लब मॉस पूछा गया है, तो स्पाइक क्लब मॉस कोई और नहीं ये लिटिल क्लब मॉस, इसको हम लोग क्या कहते हैं सिलजनेला कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलजनेला क्या है, लिटिल क्लब मॉस कह सकते हैं, स्पाइक क्लब मॉस कह सकते हैं, तो कौन है सिलजनेला ही कहलाता है स्पाइक क्लब मॉस। नेक्स्ट, हॉर्स टेल फर्न घोड़े की पूंछ की तरह जो फर्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड, तो हॉर्स टेल फर्न कुछ कोई और नहीं, आपको पता ही है जो हॉर्स टेल फर्न है वो कौन है, इक्विसिटम, हॉर्स टेल फर्न, तो हॉर्स टेल फर्न इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विसिटम कहलाता है हॉर्स टेल फर्न। रॉयल फर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया था ये, जीआईसी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉयल फर्न इज आल्सो कॉल्ड एज, रॉयल फर्न किसे कहते हैं, तो रॉयल फर्न हमारा केवल एक ही है जिसका नाम क्या है आशमुंडा, आशमुंडा रिजेलिस इसका पूरा नाम होता है, तो आशमुंडा रिजेलिस क्या है रॉयल फर्न कहलाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जीआईसी पूछा गया था। नेक्स्ट, टीलोम थ्योरी फॉर टेराडोफाइटा गिवन बाई, पहली बात तो ये है कि कभी अगर ये पूछा जाता है कि टीलोम थ्योरी किसने दी थी या टीलोम थ्योरी फॉर टेराडोफाइटा वाज फर्स्ट गिवन बाई, तो साइंटिस्ट कौन हो जाएंगे, वो जिमरमैन साइंटिस्ट हो जाएंगे, साइंटिस्ट कौन है जिमरमैन, तो जिमरमैन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टीलोम थ्योरी को दिया था, और यहाँ पर सन पूछी जा रही है कि कौन से सन में दी गई थी टीलोम थ्योरी टेराडोफाइटा, तो वो सन थी 1930, सन 1930 में टीलोम थ्योरी को सबसे पहले जिमरमैन साइंटिस्ट ने दिया था इन द सपोर्ट ऑफ टेराडोफाइटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, एक्वाटिक टेराडोफाइटा इज आल्सो कॉल्ड, टेराडोफाइट्स पूछा गया है बट एक्वाटिक टेराडोफाइट्स पूछा गया है हम लोगों से कि एक्वाटिक टेराडोफाइटा हम लोग किसे कहते हैं, तो एक्वाटिक टेराडोफाइटा कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्वाटिक टेराडोफाइटा में कौन कौन से, साल्विनिया एजोला मार्शिलिया, ये तीनों के तीनों टेराडोफाइट्स जो होते हैं वो एक्वाटिक ही होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं ये, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा आल। ठीक है, तो एक्वाटिक टेराडोफाइट्स हमारे कैसे हैं, आल, आल ऑफ दीस, ये सारे के सारे जो टेराडोफाइट्स दिए गए हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, साल्विनिया एजोला मार्शिलिया सारे सारे एक्वाटिक टेराडोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, वीजीए, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी, पता ही है फाउंड इन, तो वीजीए फाउंड इन, वीजीए कहाँ पाया जाता है, एजोला के केस की बात की जा रही है कि एजोला के केस में वीजीए कहाँ मिलेगा,
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रूट ऑफ एजोला, नहीं यस नहीं हो सकता, विजीज होते हैं वो रूट ऑफ एजोला में नहीं पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है स्टम ऑफ एजोला, ना स्टम में भी नहीं होते हैं। थर्ड हमारा है लीफ ऑफ एजोला, तो जो विजी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो लीफ ऑफ एजोला में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VSC क्लासेस में काफ़ी पूछा जाता है ये कि विजी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो लीफ ऑफ एजोला में पाया जाता है। नेक्स्ट गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर इज आल्सो कॉल्ड, गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर पूछा जा रहा है, तो गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर इज आल्सो कॉल्ड, किसे कहते हैं हम लोग गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर, तो गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर कौन कहलाएगा, वो कोई और नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है इक्विशिटम, इक्विशिटम को ही हम लोग गोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संजीवनी बूटी, ये संजीवनी बूटी वही क्वेश्चन है जो आश्रम पद्धति में कई बार पूछा गया है, आश्रम पद्धति प्रवक्ता, आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछा गया संजीवनी बूटी ऑप्टेन फ्रॉम, संजीवनी बूटी कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, तो संजीवनी बूटी की अगर बात करें संजीवनी बूटी ऑप्टेन फ्रॉम द सृजनेला ब्रायोटेरिश, सृजनेला तो है लेकिन इसमें जो स्पीसीज है वो कौन सी होनी चाहिए, ब्रायोटेरिश होनी चाहिए, तो ये वही संजीवनी बूटी है जो सृजनेला ब्रायोटेरिश से प्राप्त होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आश्रम पद्धति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लैक्टो स्टील, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स में स्टील पर पहुंच गए हैं, प्लैक्टो स्टील पूछी गई है कि प्लैक्टो स्टील फाउंड इन, प्लैक्टो स्टील भी कई बार पूछी क्योंकि स्टील से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्लैक्टो स्टील कहाँ पा जाती है, तो प्लैक्टो स्टील जो होती है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ELC, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम इज द आंसर ऑफ प्लैक्टो स्टील का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील के बाद में एक्टिनो स्टील, तो प्लैक्टो स्टील कहाँ पर जाती है, वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में होती है, और एक्टिनो स्टील की बात करेंगे तो एक्टिनो स्टील जो होती है वो लाइकोपोडियम सीरेटम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सीरेटम की प्रॉपर्टी है LS को शॉर्ट फॉर्म में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि एक्टिनो स्टील फाउंड इन, तो एक्टिनो स्टील जो होती है वो लाइकोपोडियम सीरेटम में होती है और जो प्लैक्टो स्टील होती है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टील पर चलते हैं, नॉन मेडुलेटेड स्टील, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है BSC में, BSC ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नॉन मेडुलेटेड स्टील इज आल्सो कॉल्ड एज, कि नॉन मेडुलेटेड स्टील कौन सी है यहाँ पर हमारी, तो नॉन मेडुलेटेड स्टील, जो नॉन मेडुलेटेड स्टील है उसे हम लोग प्रोटो स्टील कहते हैं, नॉन मेडुलेटेड स्टील इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटो स्टील। नेक्स्ट एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील इज आल्सो कॉल्ड, तो एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील हम लोग किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से, एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील, तो एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है मार्सीलिया, सेकंड एडियंटम, थर्ड इक्विशिटम, फोर्थ ऑल ऑफ दीज, तो एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील मार्सीलिया में भी मिलती है, एडियंटम में भी होती है, इस क्वेश्चन में इक्विशिटम भी है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पर बनता है, तो ये जो एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील है ये सभी में पाई जाती है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस ऐसे हैं एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील में, यहाँ पर एम्फीफ्लिक साइफनो स्टील क्या होती है वो मार्सीलिया में भी पाई जाती है, एडियंटम में भी पाई जाती है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वसिटम है। यहाँ पर इक्वसिटम में जीनस दी है, स्पीसीज को क्लियर नहीं किया गया है। तो एम्फीफिलिक्स हाइपनोस्टील का आंसर और सपोर्टिंग में ऑल ऑफ दीज ही जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल लीफ गैप। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे मैनी लीफ गैप, अब हमारा क्वेश्चन है सिंगल लीफ गैप फाउंड इन। तो जो सिंगल लीफ गैप होता है वो किसमें होगा, सोलेनो स्टील। सिंगल लीफ गैप किसमें होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगल लीफ गैप इज फाउंड इन सोलेनो स्टील। नेक्स्ट मेरी स्टील पूछा गया है कि मेरी स्टील फाउंड इन, ये मेरी स्टील कहाँ पा जाती है। तो मेरी स्टील की बात करेंगे, प्रेजेंट इन सोलेनो स्टील, डिक्टायो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेरी स्टील फाउंड इन, तो मेरी स्टील किसकी प्रॉपर्टी है। तो मेरी स्टील इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्टायो स्टील। जो मेरी स्टील है वो डिक्टायो स्टील की प्रॉपर्टी है। डिक्टायो स्टील इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ मेरी स्टील का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। डिक्टायो स्टील फाउंड इन, डिक्टायो स्टील पूछा जा रहा है कि डिक्टायो स्टील कहाँ पाई जाती है। तो डिक्टायो स्टील फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, टेरिस, सेकंड ड्राफ्ट टेरिस। तो ये जो डिक्टायो स्टील है वो टेरिस और ड्राफ्ट टेरिस दोनों में पाई जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बोथ, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा, बोथ, यानी टेरिस और ड्राइव टेरिस दोनों में डिक्टायो स्टील पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील का मॉडिफिकेशन पूछा गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील का मॉडिफिकेशन पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सोलेनो स्टील, सेकंड पॉली स्टील, थर्ड पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो ये सारी की सारी जो स्टील दी गई हैं, सोलेनो स्टील, पॉली स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील्स, दीज ऑल स्टील्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट स्टील विदाउट लीफ गैप इज आल्सो कॉल्ड, कौन सी ऐसी स्टील है जो विदाउट लीफ गैप के होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो विदाउट लीफ गैप की जो स्टील है वो कोई और नहीं, क्लैडो साइफोनिक स्टील कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लैडो साइफोनिक स्टील, यहाँ पर कोई लीफ गैप नहीं प्रेजेंट होता है, विदाउट लीफ गैप की स्टील पाई जाती है ये। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस प्रेजेंट इन, ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम, सृजनेला, बोथ या फिर एजोला। इसका आंसर होगा सृजनेला। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा गया कि ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी है, सृजनेला की प्रॉपर्टी है। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन टेरिडोफाइट्स मैलिक एसिड यूज्ड इन, मैलिक एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइटा में, और बिना मैलिक एसिड के यहाँ पर कह सकते हो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संभव नहीं है। तो मैलिक एसिड यहाँ पर टेरिडोफाइटा में क्यों ज़रूरत होता है, तो इन टेरिडोफाइटा मैलिक एसिड यूज हो जाता है यहाँ पर किसके लिए, ओनली और वन फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है किस तरफ, ओव्यूल की तरफ। तो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है, मैलिक एसिड इज द इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजेशन एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राइजोफोर ऑफ सृजनेला, सृजनेला के राइजोफोर की बात हो रही है कि सृजनेला का जो राइजोफोर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, राइजोफोर ऑफ सृजनेला। तो राइजोफोर ऑफ सृजनेला जो है
वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो राइजोफोर ऑफ सेलेजनेला जो होता है वो ऑर्गन रूट लाइक प्रॉपर्टी, स्टेम लाइक ऑर्गन सीजनरिस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये राइजोफोर ऑफ सेलेजनेला का। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक टेरिडोफाइट्स के, कुछ क्वेश्चंस आपसे स्पीसीज से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए पढ़ते रहें, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।